दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल ज्ञानशाला इंस्टीट्यूट में। एक बार मैं अमित शुक्ला एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं ग्रामर में, कम्पिटेटिव इंग्लिश में एक ऐसा टॉपिक जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा कमेंट बॉक्स में मुझसे रिक्वेस्ट की गई आप लोगों की इस बात को लेकर के कि आखिरकार आप नॉन फाइनाइट वर्ब में इन्फिनेटिव, जीरेंड और पार्टिसिपल के आखिरकार रूल कब बताएंगे। तो आप इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हो गई हैं और अब आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए नॉन फाइनाइट वर्ब। तो नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, ये कंपटीशन के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। इसको आपको समझने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ये नॉन फाइनाइट और फाइनाइट बहुत ही चकरा देने वाले टॉपिक होते हैं और इसमें इन्फिनिटिव, जीरेंड और पार्टिसिपल ये सारी चीज़ें होती हैं। इन सभी चीज़ों को लेकर के आज हम लोग बात करेंगे। तो आइए बगैर किसी समय को जाया किए हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक नॉन फाइनाइट वर्ब में इन्फिनिटिव। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। तो तैयार हो जाइए कॉपी और पेन लेकर के, नोटबुक और रजिस्टर पेन वगैरह लेकर के। आपको मैं समय समय पर नोट्स भी बनवाता हूँ और ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप इसे सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन आपके सामने यहाँ पर रेड कलर का दिख रहा होगा, इस सब्सक्राइब बटन को आप तुरंत यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। क्या होता है नॉन फाइनाइट वर्ब? जब हम वर्ब का क्लासिफिकेशन करते हैं तो आपको बता दूं कि वर्ब जो है बहुत तरीके की वर्ब होती हैं, तमाम तरीके की वर्ब होती हैं। इनमें से दो सबसे पहले जो बंटवारा होता है वर्ब को, अगर हम सबसे पहले दो भागों में अगर डिवाइड करते हैं तो एक होती है फाइनाइट, एक होती है नॉन फाइनाइट। कौन सी? एक होती है फाइनाइट और दूसरी होती है नॉन फाइनाइट। तो फाइनाइट वर्ब क्या होता है? फाइनाइट वर्ब आप उस वर्ब को कहते हो जिस वर्ब को छेड़ने से, जिस वर्ब को डिस्टर्ब करने से, जिस वर्ब को अगर हम चेंज करते हैं तो उसका टेंस बदल जाता है। तो टेंस को बदल पाने की क्षमता रखने वाली वर्ब को, टेंस को बदल पाने की क्षमता रखने वाली वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो जहां से टेंस बदलता है वो आपकी फाइनाइट वर्ब, और जहां से टेंस ना बदले वो वर्ब जो वाक्य के टेंस को प्रभावित करने की क्षमता नहीं रखती है उसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो जैसे मैं सेंटेंस में एक एग्जांपल लेता हूं, आप जरा देखिएगा आखिरकार ये फाइनाइट और नॉन फाइनाइट आपको अभी तुरंत क्लियर हो जाएगा। आपके सामने यहाँ पर दो तरीके के सेंटेंसेस हमारे सामने लिखे हुए हैं। आई वेंट टू आगरा टू सी द ताजमहल, दोनों को एग्जांपल के बेस पर हम देखते हैं कि इसमें फाइनाइट क्या है, नॉन फाइनाइट क्या है। मैंने क्या बताया? वो वर्ब जो सेंटेंस के टेंस को प्रभावित करने की क्षमता रखे, जिसको छेड़ने से टेंस बदल जाए वो फाइनाइट वर्ब, और जिसको आप लाख छेड़ो टेंस नहीं बदलेगा, सेंटेंस खराब हो जाएगा वो मंजूर है, सेंटेंस बेकार हो जाएगा, अर्थहीन हो जाएगा वो मंजूर है। लेकिन आप कह दो मैं टेंस बदल ले जाऊंगा नॉन फाइनाइट बदल करके, तो नॉन फाइनाइट को चेंज करके आप टेंस नहीं बदल पाओगे। तो जो टेंस को बदलेगी वो फाइनाइट। तो देखिएगा, अगर मैंने कहा आई वेंट टू आगरा टू सी द ताजमहल, मैं ताजमहल देखने के लिए आगरा गया, मैं आपसे पूछूं अभी ये कौन से टेंस में है, तो शायद आप कहोगे कि सर यहाँ पे आई वेंट लिखा हुआ है, ये पास्ट इंडेफिनिट है। मैंने कहा अगर इसको प्रेजेंट डिफिनिट करना है तो क्या कहोगे? तो भैया यहाँ पे आप इसको शायद यहाँ पर गो कर दिए होगे, आई गो टू आगरा टू सी द ताजमहल। लेकिन अभी मैं कहती हूँ इसको कि ऐसा है, इसको प्रेजेंट परफेक्ट बना दो, तो आप इसी को क्या कर दोगे? गॉन कर दोगे। यानी कि अगर मैं इसको कह दूँ कि अगर इसको कंटिन्यूअस बनाना है तो आप कह दोगे कि यहाँ पर गो के बदले में गोइंग कर दोगे। तो आप देख रहे हो कि इसको मैं बार 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 छेड़ रहा हूँ तो इसका टेंस चेंज होता जा रहा है। आई वेंट टू आगरा पास्ट इंडेफिनिट, आई गो टू आगरा प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई हैव गॉन टू आगरा प्रेजेंट परफेक्ट, आई वाज गोइंग टू आगरा पास्ट कंटीन्यूअस। यानी इसको छेड़ने से हमारा टेंस बदल रहा है। तो टेंस को बदलने वाली वर्ब जो होगी वो फाइनाइट वर्ब होगी। तो ये हो गई हमारी फाइनाइट वर्ब, क्योंकि यहाँ से हमारे सेंटेंस का टेंस चेंज हो रहा है। ठीक है, अब ये फाइनाइट हो गई। अब वर्ब तो फिलहाल ये भी है ना, सी सा
सीन सीन, तो सी सा सीन सीन ये भी तो वर्ब है, लेकिन ये वर्ब जो है हमको टेंस बदलने में यूज नहीं हो रही है। टेंस बदलने के लिए हम इसे ही देख रहे हैं। तो ये जो हमारी इस जगह पे जो वर्ब है ये नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाएगी। तो नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी हो गई, जो सेंटेंस में टेंस को बदलने की क्षमता नहीं रखती। तो सेंटेंस आपका क्या बना, आई वेंट टू आगरा टू सी द ताजमहल, आई गो टू आगरा टू सी द ताजमहल, आई हैव गॉन टू आगरा, तो यहां से टेंस बदल रहा फाइनाइट, यहां से टेंस नहीं बदल रहा, ये नॉन फाइनाइट। दूसरा सीइंग द पुलिस, पुलिस को देख करके, सीइंग द पुलिस पुलिस को देख करके द थीफ रैन अवे, जो चोर था वो भाग गया। अभी मैं कहता हूँ कौन सा टेंस है, तो आप कहोगे द थीफ रैन अवे, चोर भाग गया, यानी कि ये सेकंड फॉर्म आपने लगा रखी है, सेकंड फॉर्म लगी है तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। लेकिन अभी मैं कहता हूँ इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाओ, तो आप क्या करोगे, इसी रैन को रन कर दोगे, ठीक है ना। अभी कहता हूँ उसको मैं पास्ट कंटीन्यूअस करो, तो यहाँ रन की जगह पे आप रनिंग कर दोगे। इस तरीके से आप देख रहे हो कि इसको मैं छेड़ रहा हूं तो टेंस बदल रहा है, तो यानी ये कौन सी हो गई, फाइनाइट वर्ब। लेकिन साहब वर्ब तो ये भी है, सी सा सीन सीन, लेकिन यहां से टेंस नहीं बदल रहा, जो टेंस नहीं बदल रहा वो वर्ब क्या होगी, नॉन फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से मैं बोलता हूँ, आप लिख सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो, फाइनाइट वर्ब हेडिंग डालेंगे फाइनाइट वर्ब और लिखेंगे वो वर्ब जो वाक्य के टेंस को प्रभावित करने की क्षमता रखती है, अर्थात जिस वर्ब को चेंज करने से उसका टेंस बदल जाता है, तो ऐसी टेंस बदलने वाली वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ओके, अब आप लिखेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब की हेडिंग डालें, अंडरलाइन करें, डैश करें और लिखें वो वर्ब जो वाक्य के टेंस को प्रभावित करने की क्षमता नहीं रखती है, अर्थात जिस वर्ब को छेड़ने से, बदलने से या चेंज करने से उसका टेंस नहीं बदलता है, तो ऐसी टेंस को ना बदल पाने वाली वर्ब को हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जी, अब आप ये एग्जांपल नोट कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि फाइनाइट वर्ब, टेंस बदलने वाली वर्ब, फाइनाइट वर्ब जो होती है वो नॉन फाइनाइट वर्ब के कंपैरिजन में सब्जेक्ट के करीब रहती है। कौन सी, टेंस बदलने वाली, फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट के करीब होती है और नॉन फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट से थोड़ा दूर होती है, चाहे एक इंच, आधा इंच, दो इंच, चार इंच का ही फर्क हो, लेकिन फाइनाइट सब्जेक्ट के नजदीक रहेगी और नॉन फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट से दूर रहेगी। जैसे आप देख सकते हो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट यहाँ पर कौन है, आई वेंट टू आगरा, सब्जेक्ट हमारा आई है, तो आप यहाँ से दूरी नापो, ये देखिए आपका फाइनाइट वर्ब यहीं पे है और नॉन फाइनाइट वर्ब ये हो गई, दूर हो गई। अब ये देखिए सब्जेक्ट कौन है, ठीक रहने पे, कौन भाग गया, चोर भाग गए, तो ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में फाइनाइट वर्ब देखिए पास में है और नॉन फाइनाइट वर्ब देखिए दूर है। तो ये भी जानकारी आप लिख लेंगे पैराग्राफ चेंज करके कि फाइनाइट वर्ब हमेशा नॉन फाइनाइट वर्ब की अपेक्षा सब्जेक्ट से नजदीक स्थित रहती है, जबकि नॉन फाइनाइट वर्ब फाइनाइट वर्ब की अपेक्षा सब्जेक्ट से दूर स्थित होता है, होती है। तो अब आप ये एग्जांपल नोट करें, फिर आगे देखते हैं इस पर।
अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि आखिरकार ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, जो टेंस को नहीं बदलती है, जो टेंस को प्रभावित करने की क्षमता नहीं रखती है, ये कितने प्रकार की होती है, इसके प्रकार कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब आप हेडिंग डाल सकते हो। टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब में हम देखने जा रहे हैं कि आखिरकार ये नॉन फाइनाइट वर्ब कितनी होती हैं, कौन कौन सी होती, फिर एक एक करके सबको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा नॉन फाइनाइट वर्ब के प्रकार। नॉन फाइनाइट वर्ब की बात करें तो साहब ये तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? तीन प्रकार की नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। एक होती है इंफिनिटिव। सबसे पहले इंफिनिटिव होती है। इंफिनिटिव क्या है हम बात करेंगे, अभी मैं केवल नाम बता रहा हूँ, अभी मैं बात करूंगा एक एक करके सबके बारे में। तो इंफिनिटिव कोई पूछे कैसी वर्ब है तो कहिएगा इंफिनिटिव एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। क्या ये नॉन फाइनाइट है तो क्या ये टेंस को बदल पाएगी? नहीं, कतई ही नहीं। नॉन फाइनाइट वर्ब का फिर आप लोग सोच रहे होंगे काम क्या है। अगर नॉन फाइनाइट वर्ब जो है टेंस नहीं बदलती तो करती क्या है? तो एक बार ये भी सुन लीजिए, फाइनाइट वर्ब जो होती है वो सेंटेंस के टेंस का निर्माण करने के लिए, टेंस को बदलने के लिए, टेंस को फ्लैक्चुएट करने के लिए काम में आती है। ऐसी वर्ब हमारी फाइनाइट होती है। बट नॉन फाइनाइट वर्ब सेंटेंस में हिंदी का निर्माण करती है, हिंदी अर्थ का निर्माण करती है। तो यानी नॉन फाइनाइट वर्ब की जरूरत हमें तब पड़ती है जब हम हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं। तो हिंदी में बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं, बहुत सारे ऐसी वर्ब होती हैं जो नॉन फाइनाइट वर्ब के जरिए ही उसकी इंग्लिश बनाई जा सकती है। इसलिए नॉन फाइनाइट वर्ब को हिंदी बनाने के लिए, हिंदी से जब इंग्लिश बनाते हैं तो हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए ये हमारे काम में आती, इसलिए इसे आपको पढ़ना पड़ रहा है। तो आइए सबसे पहले इंफिनिटिव हो गया। दूसरे नंबर पे आप देख रहे हो पार्टिसिपल। ये पार्टिसिपल हमारा दूसरा है नॉन फाइनाइट वर्ब, ये भी हमारे टेंस को प्रभावित नहीं करती। और तीसरा हमारा जीरंड है। जीरंड भी हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट मतलब टेंस का निर्माण नहीं करेगी बल्कि हिंदी से इंग्लिश बनाएगी। हिंदी के शब्दों के लिए, इसकी जानकारी के लिए हमको नॉन फाइनाइट वर्ब, पार्टिसिपल, इंफिनिटिव, पार्टिसिपल और जीरंड पढ़ना होता है। अब आप आगे देख रहे हो कि इंफिनिटिव का कोई पार्ट नहीं है, जीरंड का कोई पार्ट नहीं है, लेकिन पार्टिसिपल हमारी तीन भागों में बटी हुई है। पार्टिसिपल में एक्चुअली तीन पार्टिसिपल पढ़ने होते हैं। एक प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ना होता है आपका। प्रेजेंट पार्टिसिपल जब पढ़ लेंगे तो पास्ट पार्टिसिपल पढ़ना होगा, और जब ये भी हो जाएगा तो फिर परफेक्ट पार्टिसिपल। ध्यान रखिए, बहुत सारे लोग झटके में बोल जाते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, फ्यूचर पार्टिसिपल। फ्यूचर पार्टिसिपल कोई पार्टिसिपल नहीं होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, द लास्ट वन इज परफेक्ट पार्टिसिपल। तो ये आपके सारे के सारे नॉन फाइनाइट वर्ब हैं। आप इनको चार्ट वाइज बना लीजिए नॉन फाइनाइट वर्ब के प्रकार। फिर सबसे पहले आज मैं स्टार्ट करूंगा इन्फिनिटिव में। आखिरकार स्पॉटिंग एरर जब हम करते हैं तो नॉन फाइनाइट वर्ब से रिलेटेड स्पॉटिंग एरर कैसे, हमें क्या क्या उसमें ध्यान रखना होता है, कौन कौन सी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है कि आखिरकार नॉन फाइनाइट वर्ब में इन्फिनिटिव के एरर हम पकड़ सकें। तो तैयार हैं आप? तो तैयार होने से पहले आप इसे नोट कर लें। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं तीनों प्रकार की नॉन फाइनाइट वर्ब की। सबसे पहले हम बात करते हैं इन्फिनिटिव की। तो इन्फिनिटिव क्या होता है? नॉन फाइनाइट है, ओके। तो इन्फिनिटिव हमें हिंदी से इंग्लिश बनाने में काम आना है, इसलिए हम नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ रहे हैं। इन्फिनिटिव सबसे पहले, व्हाट इज इन्फिनिटिव? चूंकि मैंने कहा हिंदी से इंग्लिश बनाने के काम में आती, इसलिए से हिंदी का जो है जरूर योगदान बहुत है। तो ध्यान से समझिएगा इन्फिनिटिव, जब वाक्य में हिंदी अर्थ निकालते समय आप हिंदी में कुछ बोल रहे हैं, या अपनी मदर टंग जो भी हो, आप तेलुगु में बोल रहे हैं, मलयालम में बोल रहे हैं, या फिर पंजाबी में बोल रहे हैं, तो जब वाक्य में हिंदी अर्थ निकालते समय उसकी क्रिया यानी वर्ब में हिंदी अर्थ निकाल रहे हैं और उसकी किसी वर्ब में ना, नी, ने की आवाज आए, आगे हो सकता है के लिए भी लगा हो, ना नी ने के लिए, ना नी ने के लिए, ना नी ने के लिए जरूरी नहीं है। देखिए, जब वाक्य में हिंदी अर्थ निकालते समय उसकी क्रिया यानी वर्ब में ना, नी, ने, ब्रैकेट में लिख रहा हूं के लिए, ब्रैकेट में इसलिए कि अंदर है, हो सकता है कुछ जगह पे ये अर्थ निकले, हो सकता है कुछ जगह पर ये अर्थ ना निकले। तो वो वर्ब जो
हिंदी अर्थ निकालते समय ना नीने के लिए की आवाज करता है, ऐसी वर्ब जो वाक्य में नानी ने की आवाज करता है और आगे के लिए भी लगा हो ना लगा हो, मोस्टली लगा रहेगा, तो वो इंफिनिटिव का वाक्य है, ये आप जान जाना। वो इंफिनिटिव का सेंटेंस है, आप समझ जाना। जब वाक्य में हिंदी अर्थ निकालते समय उसकी क्रिया यानी वर्ब में नानी ने के लिए की आवाज आती है तो वो वाक्य इंफिनिटिव का वाक्य कहलाता है। अब इंग्लिश कैसे बनती है? इंग्लिश बनती है इंफिनिटिव की इंग्लिश बनाने के लिए हम सदैव हमेशा उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, किस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के ठीक पहले टू लगा देते हैं जिस वर्ब में ये आवाजें आई हैं। जिस भी वर्ब में ये आवाज मिले उसकी फर्स्ट फॉर्म लो, उससे पहले टू लगा दो, इंफिनिटिव हो गया। लेकिन अभी डिटेल में पढ़ेंगे तो अभी शुरुआत है। तो अब जैसे सेंटेंस में लिखता हूं, जैसे कह दिया जाए कि जीने के लिए हम खाते हैं। अब देखिएगा यहां दो वर्ब हैं, एक जीना यानी लिव, एक खाना यानी की। अब यहां पे इन दोनों वर्ब में बताइए कौन सी वर्ब ऐसी है जिसमें आपको इंफिनिटिव का लक्षण लग रहा है, खाते हैं जीने के लिए। तो देखिए ना नीने आ रहा है, अलाइव भी कर सकते हैं आप, डोंट वरी, अलाइव भी हो सकता है। तो अब इसमें क्या करेंगे, आई ये ईट हमारा नानी ने तो आया नहीं, तो ये यहां पे हमारा इंफिनिटिव है। इंफिनिटिव हमारी कैसी है, नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट से दूर हो जाएगी, तो ये फाइनाइट हो गई, ये सब्जेक्ट के करीब हो जाएगी। तो वी ईट हम खाते हैं, तो लिव जीने के लिए, जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए। तो यहां पे देखिए टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उससे पहले टू लगा दिया। जैसे कह दिया जाए कि मित्र से मिलने मैं अस्पताल गया। अब देखिए दो वर्ब है, एक गया यानी गो, एक जो है मिलना यानी मीट। अब यहाँ पे दो दो वर्ब आपको दिख रही है, लेकिन एक वर्ब ऐसी है जो फाइनाइट है, जो टेंस बनाएगी, और एक वर्ब ऐसी है जो हिंदी से इंग्लिश का निर्माण करेगी। तो आप दोनों वर्ब देखिए, गया में आपको कहीं इंफिनिटिव का लक्षण लग रहा है, नहीं, तो ये क्या हो गया, फाइनाइट वर्ब। अब देखिए मिलने में लग रहा है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब देखिए मिलने आया लेकिन के लिए नहीं आया, लेकिन आप निकालोगे तो के लिए आ जाएगा। मित्र से मिलने में अस्पताल गया, और चाहे कहे तो मित्र से मिलने के लिए मैं अस्पताल गया। तो ये हमारा इंफिनिटिव है, नानी ने आ रहा है, और ये कैसी है, नॉन फाइनाइट वर्ब। तो ये दूर हो जाएगी सब्जेक्ट से, वो पास हो जाएगी टेंस, इससे बनेगा गया पास्ट इंडेफिनिट, आई वेंट टू द हॉस्पिटल, मैं अस्पताल गया, क्या करने के लिए, मिलने के लिए। तो मिलने की फर्स्ट फॉर्म मीट, और इससे पहले टू, टू मीट माय फ्रेंड। अब ये देखिए टू मीट, टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ये हमारी जो है इंफिनिटिव हो गई, इंफिनिटिव हो गई। और यहां से टेंस बदलेगा, आई वेंट टू द हॉस्पिटल, आई गो टू द हॉस्पिटल, ये फाइनाइट वर्ब होगी। अब हम एक और देख लेते हैं, बैठने के लिए मुझे कुर्सी दो, बैठने के लिए मुझे कुर्सी दो। अब देखिए कह रहा है बैठने के लिए मुझे कुर्सी दो, एक हो गया गिव, एक हो गया बैठना यानी से। अब आप पहचानो, आपकी बारी, इन दो वर्ब में कौन सी वर्ब है जिसमें इंफिनिटिव का लक्षण नजर आ रहा है। जी हाँ, सही कह रहे हो आप, बैठने क्यों आ रहा है इंफिनिटिव, ये देखो पहचान, ने के लिए, तो क्या हो जाएगा, इंपरेटिव है, तो गिव मी ए चेयर, मुझे
मुझे कुर्सी दो। क्यों दे दो भाई आपको कुर्सी, क्या करोगे? तो आपने कहा बैठने के लिए। तो बैठने नानी ने आया, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा सिट, इससे पहले टू सिट ऑन इट। तो ये हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब में इंफिनिटिव होता क्या है, अभी मैंने केवल इसकी बात की है। अब इंफिनिटिव से रिलेटेड एरर जानने हैं, तो एरर के लिए हम आगे फिर बात करेंगे, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। अब मैं आपसे दो चार पांच ठो पूछ रहा हूँ सेंटेंस, आप बताओ इसमें दो दो वर्ब हैं, इसमें आपकी इन्फिनिटिव कौन है? ठीक है ना। जैसे कह दिया जाए कि चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब बटन दबाइए, तो इसमें कौन सी है? सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाइए, प्लीज प्रेस द सब्सक्राइब बटन। क्यों दबाइए? टू सब्सक्राइब द चैनल। या जैसे कह दिया जाए कि हमारे पिछले वीडियो देखने के लिए आप इस आई बटन पर क्लिक करें, तो आई बटन पर क्लिक करें, ये जो आप कह रहे हो यहां पे तो नानी ने आ नहीं रहा है, तो ये हमारी तो फाइनाइट वर्ब हो गई, इंपरेटिव सेंटेंस है। प्लीज क्लिक द आई बटन। क्यों क्यों देखना है वो, क्यों आपको क्लिक करना है? हमारे पिछले वीडियो को देखने के लिए, टू वॉच आवर प्रीवियस वीडियोस। बिल्कुल सही आप जा रहे हो। अब फिर से देखिएगा, जैसे कह दिया जाए खाना बनाने के लिए एक बाल्टी पानी ला दो, तो खाना बनाने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए, सोने के लिए, जागने के लिए, हिलने के लिए, डुलने के लिए, पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए आज कुछ नए विद्यार्थी आए हैं, तो आए हैं, तो आए हैं में तो नानी ने आया नहीं, तो ये हमारा क्या हो गया? फाइनाइट वर्ब हो गया। यानी सम न्यू स्टूडेंट्स हैव कम, क्यों आए हैं? पढ़ने के लिए, टू स्टडी। तो हम लोग आज नई मूवी देखने के लिए बाहर जा रहे हैं, तो वी आर गोइंग टू आउटसाइड, we are going to outside। क्यों जा रहे हैं? नई मूवी देखने के लिए, to watch a new movie। तो ये आज मैंने आपको इस वीडियो में इसकी थ्योरी बताई है। अब इस थ्योरी के बगैर तो आप स्पॉटिंग एरर के इसके रूल नहीं पढ़ सकते थे, क्योंकि हिंदी का निर्माण करती है नॉन फाइनाइट वर्ब, इसलिए मैंने आपको पहले आपको ये परिचय बताया कि इन्फिनिटिव हमारा पहला नॉन फाइनाइट वर्ब है। मैं सारे नॉन फाइनाइट वर्ब आपको बताऊंगा, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव के रूल, ठीक है, और फिर उसकी कुछ प्रैक्टिस, और उसके बाद फिर हम नॉन फाइनाइट वर्ब का दूसरा सेगमेंट लेंगे, पार्टिसिपल के तीनों, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, जब वो भी कंप्लीट हो जाएगा, उसके रूल हो जाएंगे, तो फिर हम बात करेंगे जीरेंड की। तो जीरेंड में भी हम आपको वो सारी चीज़ें बताएंगे, सब नॉन फाइनाइट वर्ब, इनका टेंस से कोई नाता रिश्ता नहीं है, ये केवल हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए काम में आती हैं। तो आज की ये थ्योरी थी, और अब हम अगले वीडियो में आपको इसके रूल लेकर के आएंगे कि इन्फिनिटिव में स्पॉटिंग एरर को लेकर के किस तरीके के रूल होते हैं, क्या क्या गलतियां वो दे सकते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब के इन्फिनिटिव में। तो आपको अगले वीडियो को देखने के लिए मैं आपसे फिर यही कहना चाहूँगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस थ्योरी की क्लास आपको अगर समझ में आई हो नॉन फाइनाइट वर्ब, तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, थम्स अप। फिर अगला वीडियो बहुत जल्दी कल तक आप तक पहुँच जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।